ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नॉन ह्यूमन हैं लेकिन उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ असाइन कर दी गई हैं सो so, जब भी हम इंग्लिश पोइट्री में या लिटरेचर में कुछ ऐसे रेफरेंसेस यूज़ करते हैं हम किसी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट कर देते हैं तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पसोनिफिकेसन सो नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स Okay, so here are various examples of personification, or uh, and in these examples, you can clearly see either non-living things or something which is non-human, or maybe animals or plants are given human qualities and they are considered as real humans. So let's see some examples. Anxiety is sitting on his face. So what is the meaning of anxiety, students? Anxiety.

Uh, जो किसी के फेस पर बैठी हुई थी राइट सो अगेन पर्सोनिफिकेशन जैसा हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट uh, दिया है एनजाइटी को डेथ लेज इज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स अब डेथ जो है अपने आईसी हैंड्स से किंग king, किंग्स को टच कर रही है सो बेसिकली हेयर डेथ नो बडी हैज सीन नो बडी नोज इट्स बट एक्चुअली वी बिलीव इट्स समथिंग नॉन ह्यूमन ऑल राइट एंड इट्स लेंग है आईसी हैंड्स मीन्स कोल्ड हैंड्स ऑन द किंग्स सो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि किंग की डेथ हो हो रही है या डेथ होने वाली है राइट स्लीप इज ऑन इज वे टू अर्थ स्लीप आ रही है अर्थ पर मीन्स लोग सोने वाले हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भी हमें एक ह्यूमन टच हमने यहाँ पे स्लीप को दे दिया है विंड फ्लारिश स्ट्रॉन्ग फायर ग्लोज आउट वीक फायर्स दैट मीन्स विंग जो है स्ट्रॉग फायर्स को बढ़ा देती है और वीक uh, फायर्स को बुझा देती है तो विंग को भी यहाँ पे हमने एक पर्सोनिफिकेशन दिया है कि जैसे कोई ह्यूमन तो है नहीं कि वो आके आग में आग बढ़ा देगी या आग बुझा देगी अगेन सम मोर एग्जाम्पल्स द ट्री वॉज सैर एंड लोनली ट्री दुखी थी परेशान थी अकेला फील कर रही थी तो ये सारी चीज़ें ह्यूम्स फील करते हैं और यहाँ पे ट्री को भी हमने यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं सो दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स वी कैन सी ओके एक और लाइन है यहाँ पे, द डेफोडिल्स डांस इन द स्विफ्ट wind. डेफोडिल्स का रेफरेंस एक विलियम्स वर्थ वर्थ की एक बहुत ब्यूटिफुल पोएम डेफोडिल्स में भी मैंशन हुआ है और वहाँ पर भी डेफोडिल्स डांस मतलब नाच रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द एयर और डेफोडिल्स देखने में ऐसे लगते हैं कि उनके फेसिस जैसे रियल ह्यूम हों तो वहाँ पर भी पोइट उन्हें एज ह्यूमन कंपेयर करता है तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बसोनिफिकेशन अगेन सोनू हर्ड लास्ट पीस ऑफ चॉकलेट कॉलिंग है सोनू को अब इसका लिटरल मीनिंग तो यही है कि सोनू को लगा कि चॉकलेट का आखिरी पीस उसे बुला रहा है बट इट वॉज एक्चुअली सोनू हु टू ईट दैट लास्ट पीस सो अगेन समथिंग नॉन लिविंग हैज़ बिन गिवन ह्यूमन क्वालिटीज तो या तो हम नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम अदर देन ह्यूमन जैसे एनिमल्स प्लांट्स ट्रीज इनको ह्यूमन Attributes. De de de. So, this is what personification is. So, I hope you like the video and you have understood what is basically personification. So, thank you for watching this video and please subscribe to our channel Learn with Dheeraj. Take care and stay safe.